हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक, बुक और पेन भी साथ में, रफ नोटबुक अपने पास रखो जल्दी से। हम साथ के साथ आज करेंगे बच्चों अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 14, यूनिट 14, जिसका नेम आपको पता ही है, स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले बच्चों हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। आप अपने पास रफ नोटबुक जरूर रखो, साथ के साथ जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा, और आप नोट करते रहना, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और वीडियो समझने के साथ साथ बच्चों अगर हम लिखते भी हैं तो हमें अच्छी तरीके से भी वो समझ भी आ जाती है, शॉर्ट नोट भी बन जाते हैं हमारे पास, जिससे हमें वीडियो को दोबारा से नहीं देखना पड़ता। उस शॉर्ट नोट्स को भी बच्चों अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो हमारे रिविज़न हो जाती है। वीडियो दोबारा से देखेंगे तो हाँ, बेसिक कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिनको एक ही बारी में वीडियो समझ आ जाए तो बच्चों उसके बाद सिर्फ क्या करनी होती है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ऑल्सो वुमेंस। तो बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 14। देखिए चैप्टर 14 में बच्चों हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला वी हैव, फर्स्ट फार्मूला बच्चों मीन का। कौन सा फार्मूला बच्चों? फर्स्ट फार्मूला हमारे पास मीन का। मीन बच्चों क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं मीन होता क्या है। मीन होता है बच्चों एवरेज। क्या होता है बच्चों? एवरेज। मीन होता है एवरेज फाइंड करना। जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में आप कोई स्कूटी परचेज करने गए या कोई बाइक परचेज करने गए, तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखते हो? आप इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखते हो कि जो वो बाइक है या जो स्कूटी है वो एवरेज कितनी दे रही है। एवरेज का मतलब बच्चों वो पर लीटर में कितने किलोमीटर चल रही है। तो वो एक्चुअली आप उसका क्या देखते हो, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं इसको। किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले हम उसके जो मेज़रमेंट काउंट करते हैं दिमाग में, तो उन्हें कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसमें फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी है बच्चों हमारे पास क्या? मीन। तो मीन बच्चों हमने क्लास 6th, 7th, 8th, 9th तक किया था। क्या होता था फॉर्मूला उसका बताओ, याद करो। उसका फॉर्मूला आप लिखते थे बच्चों एक्स बार इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों यहाँ आज वो फॉर्मूला तो है ही, वो तो हमारे हमने समझ लिया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर, लेकिन आज बच्चों हम इसके 3 न्यू फॉर्मूला समझेंगे। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मीन के लिए डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड से मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास एक्स बार इक्वल समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब आपके मन में क्वेश्चंस आने लग गए होंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये बच्चों समीशन है, सम करना या टोटल करना, ठीक है, उसको इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे देखो बच्चों प्लस का साइन अपने टोटल करने के लिए डिनोट करते हैं, माइनस का सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके फिर हम अगर उनका टोटल करें तो उसे समीशन एफ आई एक्स आई से डिनोट करेंगे। अब बच्चों आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे एफ आई क्या है, तो बच्चों एफ आई फ्रिक्वेंसी है, एक्स आई क्या है, एक्स आई ऑब्जर्वेशन है। अब भी समझ नहीं आया? तो देखो बच्चों अगर हम बात करें, अगर 5000 सैलरी लेने वाले 5000 सैलरी लेने वाले 15% हैं, यानी 15 लोगों को बच्चों 5000 सैलरी मिल रही है, तो ये 15 है ना बच्चों, 15 ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी का वर्क कर रहा है, ये क्या है फ्रिक्वेंसी, और ये 5000 क्या है बच्चों, ये जो अपने 5000 जो सैलरी है ये क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। क्या है बच्चों? ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। इनको अपने आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको अपनी मर्जी से बता दिया कि अगर 5000 लेबर है, सॉरी 5000 सैलरी लेने वाली 15 लेबर है या 15% है, तो बच्चों जो नंबर ऑफ पर्सन है वो फ्रिक्वेंसी का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी बच्चों क्लास स्कूल के अंदर क्लासेस है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, जैसे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, जितने भी बच्चे क्लासेस है समझ लो उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मान लो किसी में 40 है, किसी में बच्चों 50 है, ठीक है, किसी में बच्चों मान लो 70 है या किसी में 80 है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना बच्चों, ये फ्रिक्वेंसी का वर्क कर रहे हैं, और ये जो क्लासेस हैं ये किसका वर्क कर रही है बच्चों? ऑब्जर्वेशन का, यानी कि एक्स आई का वर्क कर रही है। आई सभी को बात समझ? तो एफ आई का मतलब हुआ फ्रिक्वेंसी और एक्स आई का मतलब हुआ ऑब्जर्वेशन, और एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब क्या हुआ बच्चों? एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब हुआ उनका मल्टीप्लाई, फिर समीशन लगा दिया,
इसका मतलब उनका टोटल करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपॉन में समीशन एफ आई तो लगा ही हुआ है, तो ये बच्चों डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला है। आप सोचोगे सर अभी भी समझ नहीं आया अच्छी तरीके से, तो बच्चों जब अपने क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छी तरीके से समझ आया जाएगा, आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता मत किया करो बस, ठीक है, अपने आप समझ आता जाएगा जैसे जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब अपने एक बार फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, रफली आंखों के आगे से अपने गुजर जाएंगे, और साथ के साथ ये नोटबुक में भी आप नोट कर लेना साथ के साथ। देखो वर्क किया हुआ ना वैसे वैसे नोट करते जाओ, आपको साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे आपके। हाँ जी, सेकंड फार्मूला है बच्चों हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। सेकंड फार्मूला क्या है, मीन फाइंड करने के हैं बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, मीन फाइंड करने के ये फार्मूला है। सेकंड फार्मूला बच्चों ए प्लस, ये देखो ये ए लिखा हुआ है छोटा सा लिखा हुआ ना, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे डी आई क्या आ चुका है, तो बच्चों डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, क्या है बच्चों एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे क्या है डी आई है, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड है हमारे पास। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास है मीन फाइंड करने का बच्चों थर्ड जो फॉर्मूला है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड है मीन फाइंड करने का थर्ड फॉर्मूला, ये कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था बच्चों हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, कौन सा था बच्चों डायरेक्ट मेथड। सेकंड फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। और अब लास्ट मीन फाइंड करने का थर्ड फॉर्मूला कौन सा बच्चों हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड, देखिए ध्यान से, स्टेप डेविएशन मेथड में है बच्चों हमारे पास एक्स बार मीन किसके इक्वल होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस समीशन एफ आई यू आई मल्टीप्लाई बाय एच, क्या होता है बच्चों ए प्लस समीशन एफ आई यू आई मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन में समीशन एफ आई। तो बच्चों अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यू आई क्या है, क्या यू आई, यू आई क्या है, यू आई एक्चुअली है बच्चों डी आई अपॉन में एच, क्या है बच्चों डी आई अपॉन में एच है। अभी ये इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा क्योंकि अपने जब क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों तब ज़्यादा समझ आएगा, क्वेश्चन करते हैं ना तब समझ आती है चीज़ें, ठीक है। तो एक अलजेब्रा का जब अपने क्वेश्चन करेंगे ना इसका मीन फाइंड करने का, तो उस कंडीशन में आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा, आई बात समझ। तो एक बार आप बस इसे पढ़ लीजिए, आपको याद रखना है एक बार ये फॉर्मूला कि क्या होता है, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड है कि एक्स बार इक्वल ए प्लस समीशन एफ आई यू आई मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन में क्या आ गया बच्चों समीशन एफ आई आ गया, ये सभी को बात समझ। तो बच्चों इसके बाद मीन के बाद, मीन के तीन फॉर्मूला हो गए हमारे पास। अब है बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमारे पास टॉपिक मीडियन, कौन सा टॉपिक है बच्चों मीडियन। मीडियन आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे पास प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे मैंने डिजिट लिखी बच्चों 1 2 3, इन तीनों डिजिट के अंदर बच्चों एकदम बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बचा कौन बैठा है बच्चों, बीच में बैठा है 2। तो 2 जो है इन तीनों ऑब्जर्वेशंस का क्या है बच्चों मीडियन है, क्या है मीडियन है। अगर हम 1 2 3 के अलावा एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर अपने देखें ए बी सी, ए बी और सी, ये बच्चों तीन हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन है, इनमें मिडल टर्म या मीडियन कौन है बच्चों, तो इनमें मीडियन कौन है बच्चों बी है, बी क्या है हमारे पास मीडियन का बिहेव कर रहा है, आई सभी को बात समझ। तो यही अब मीडियन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों मीडियन के अंदर देखिए आप सभी, मीडियन के अंदर क्या है, मीडियन के अंदर बच्चों, मीडियन के अंदर जो भी हमें डेटा दिया होता है बच्चों, सबसे पहले हम उसे क्या लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे हमें डेटा दिया है बच्चों मीडियन के लिए, जैसे 4 12 8 7 1 5, तो ये जो डेटा दिया है बच्चों हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, कि हमें ये फाइंड करना है कि एकदम बीच में कौन सी टर्म है। तो इसका मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों ये जो डेटा हमें गिवन है हम इसे असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, सबसे पहले कौन लिखा जाएगा बच्चों 1 लिखेंगे अपने, और इसके बाद जैसे सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, 1 के बाद कौन आ जाएगा बच्चों ये 4 आ जाएगा, 4 के बाद कौन आएगा 5 आएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे ना अपने इनको, कैसे, जैसे मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिख देता हूँ, यही इससे पहले आ गया बच्चों 1, ठीक है।
पहले क्या गया, वन आ गया, फिर फोर आ गया, फिर क्या था, फाइव था, फिर कौन था बच्चों, सेवन था, फिर कौन था, एट था, ठीक है, मान लो इतने ही थे, ठीक है। तो अब पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको काउंट करने हैं, इसके अंदर क्या काउंट करने हैं बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि ये कितने है एक्चुअली, ये कितने जने हैं, तो काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव ऑब्जर्वेशन है बच्चों, और फाइव कैसा नंबर होता है, फाइव ओड नंबर होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों इस बात को ध्यान से समझो कि हमारे पास या तो ओड ऑब्जर्वेशन होंगे या क्या होंगे बच्चों, या इवन होंगे, या क्या होंगे, इवन, ठीक है। तो ओड के लिए फॉर्मूला अलग होगा बच्चों, और इवन के लिए अलग फॉर्मूला होगा, आई सभी को बात समझ। तो ये जो ओड है बच्चों, ये ओड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो इनका मीडियन फाइंड करने का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इनका फॉर्मूला एन प्लस वन अपॉन में टू थ। तो एन प्लस वन अपॉन में टू थ का मतलब है, एन की जगह आप पुट करो कितने हैं, ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या आएगा, फाइव प्लस वन अपॉन में टू और थ। थ का मतलब उस रैंक पे कौन बैठा है, जैसे फाइव प्लस वन बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास सिक्स्थ, सिक्स बाई टू यानी थर्ड बन जाएगा, कौन बन जाएगा बच्चों, थर्ड। तो थर्ड रैंक पे कौन बैठा है, वन टू थ्री, थर्ड रैंक पे कौन है बच्चों, फाइव है। तो फाइव इस डेटा का क्या है बच्चों, मीडियन है, आई सभी को बात समझ, फाइव क्या है बच्चों, इस डेटा का मीडियन है। तो ये है बच्चों मीडियन, ये मीडियन हमने कब फाइंड किया है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो बच्चों, हमारे पास ओड हो, तो ओड की कंडीशन में है बच्चों ये हमारे पास क्या, मीडियन, आई सभी को बात समझ। कंडीशन में तो बच्चों हमने सीख लिया मीडियन फाइंड करना कि क्या फॉर्मूला होता है, एन प्लस वन अपॉन में टू थ, ये होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम सीखते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो बच्चों, इवन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो बच्चों, हमारे पास इवन आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला ये है बच्चों, ये आप एक बार याद रखो, आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। मीडियन इक्वल होता है एन बाई टू थ, क्या होता है, एन बाई टू थ, ठीक है, और प्लस में आएगा बच्चों एन बाई टू प्लस वन थ अपॉन में आ गया बच्चों हमारे पास क्या, टू। तो ये हमारे पास किस कंडीशन में मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या गिवन हो बच्चों, इवन गिवन हो, कैसे हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों हमारे पास इवन हो, आई बात सभी को समझ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब वो जैसे बच्चों हमारे पास फोर ऑब्जर्वेशन गिवन हो या सिक्स हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेके आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चों मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ, कितने ऑब्जर्वेशन है, काउंट करो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो बच्चों अब इनके अंदर मीन क्या है, इनका मीन क्या है, बीच में कौन बैठा है, अब ये अल्फ़ाबेटिकली है, ठीक है, तो इनके अंदर बीच में कौन बैठा है, तो ये तो सिक्स है। इसके देखो अगर अपने बात करें सी की, सी के बारे में देखो, सी के देखो इधर टू है इधर थ्री है, यानी सी भी बीच में नहीं है। और अगर हम बात करें डी की, तो डी के इधर थ्री है इधर टू है, डी भी बीच में नहीं है, तो फिर एक्चुअली बीच में कौन है, तो बीच में कौन है ये फाइंड करने के लिए बच्चों पहले काउंट किया कि ये सिक्स है, अब यहाँ पे पुट किया हमने, जैसे सिक्स बाई टू हो गया, ये एन की जगह सिक्स पुट करो, एक तो सिक्स बाई टू थ आ गया, दिस मीन्स सिक्स बाई टू थ का मतलब थर्ड, कौन आया बच्चों, थर्ड। और एक आया एन बाई टू प्लस वन, एन बाई टू एन की जगह सिक्स पुट करेंगे तो सिक्स बाई टू थ्री हो गया बच्चों, थ्री प्लस वन फोर हो गया, एक आ गया बच्चों फोर्थ। लेकिन अभी इनको डिवाइड भी किससे करना है, टू से, यानी ये जो डेटा दे रखा है इनमें बीच में कौन बैठा है, सी एंड डी बैठे हैं, थर्ड और फोर्थ बैठा है। लेकिन अगर बच्चों सी और डी, ये जो हमने डेटा लिया सारा का सारा, ये तो अल्फ़ाबेटिकली है, अगर इन्हीं ए बी सी डी ई की जगह अगर अपने बच्चों डेटा ले लेते, कैसा, अलजेब्रा वाला डेटा ले लेते, डिजिट वाला बच्चों अगर हम डेटा ले लेते, तो देखो उस कंडीशन में अपने कैसे करते, ध्यान से देखिएगा, आराम से सीखो बच्चों, किसी भी चीज़ को जब सीखना है तो बहुत आराम से सीखी जाती है, और धीरे धीरे जो वो एक बार कंसेप्ट तैयार हो जाता है ना, समझ जब आ जाता है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन में एक्यूरेसी बनाते हैं, यानी सही करते हैं पहले, उसके बाद स्पीड बन जाती है ऑटोमेटिक। जैसे बच्चों एक असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लगाते हैं अपने, वन फोर सेवन एट टेन और एक ले लिया बच्चों हमने इलेवन, ठीक है, ये डेटा है।
हमें इसका क्या फाइंड करना है बच्चों, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन पहले ये सिक्स है, सिक्स क्या होता है बच्चों, इवन होता है, इवन के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना। तो एक तो आ गया सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू अभी किया था यानी थर्ड, ठीक है। एक आएगा ये देखो एन बाई टू प्लस वन यानी सिक्स बाई टू प्लस वन यानी वो आएगा, ये थर्ड है ना बच्चों। तो नेक्स्ट वाला फोर्थ आता है, ये वाला क्या आता है फोर्थ, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों ये टू, ये जो टू लिखा हुआ ना ये अपॉन में आ गया, थर्ड प्लस फोर्थ अपॉन में टू, थर्ड कौन है सेवन और फोर्थ कौन है बच्चों एट है। तो सेवन प्लस एट कितना हो गया, ये देखो थर्ड प्लस फोर्थ करना है ना, तो सेवन प्लस एट हो गया बच्चों आपके पास कितना फिफ्टीन। लेकिन फिफ्टीन को भी किससे डिवाइड करोगे बच्चों, फिफ्टीन को भी डिवाइड किससे करोगे आप, टू से डिवाइड करोगे, आई बात समझ। तो जब आप फिफ्टीन को डिवाइड करोगे बच्चों टू से, तो आ जाएगा आपका मीडियन 7.5। तो ये जो हमारे पास डेटा है बच्चों, जब इवन थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन थे, तो उस कंडीशन में बच्चों हमारा मीडियन क्या आ गया बच्चों 7.5 आया। आया सभी को समझ। तो ये बच्चों मीडियन फाइंड करने का हमारे पास मेथड है, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर भी था बच्चों, नाइन्थ क्लास में भी था और उससे प्रीवियस ईयर भी होता है बच्चों, आई बात समझ। लेकिन इस साल बच्चों मीडियन फाइंड करने का ये तो फॉर्मूला है ही, ये रो डेटा पे होता है बच्चों। रो डेटा का मतलब जो हमें ऐसे डिजिट्स में डेटा दिया होता है, लेकिन जब हमें डेटा ग्रुप में के अंदर दिया हो, ग्रुप का मतलब समझो, ग्रुप में डेटा का मतलब क्या है। जैसे बच्चों आपको ये कहा जाए कि किसी क्लास, एक क्लास इंटरवल गिवन हो बच्चों, एक तो इंटरवल गिवन हो ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी गिवन हो। जैसे आपको कहे कि 5 से 10 नंबर के बीच में इतने हैं 6 है मान लो, 10 से 15 के बीच में कितने हैं 12 है। तो ये जो डेटा है ना बच्चों, जो आपको इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसे बोलते हैं बच्चों अपने ग्रुप्ड डेटा। कैसा डेटा बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा की जब मीडियन फाइंड करनी हो, तो बच्चों ये जो ऊपर फॉर्मूला है ना, ये इवन और ओड वाला, ये वाले नहीं लगते। तो इस कंडीशन में कौन से फॉर्मूला लगता है फिर, तो इस कंडीशन में लगता है बच्चों ये मीडियन का आपके सामने एक नया फॉर्मूला आया इस साल, ये है बच्चों आपके पास मीडियन का फॉर्मूला। याद करो अभी मेरे साथ, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये जो बच्चा है बच्चों मीडियन का फॉर्मूला है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे एल क्या है, एल है बच्चों लोअर लिमिट। अभी मेरे साथ बस याद कर लो और लिखते भी रहो साथ के साथ। मैंने कहा है ना, जब भी पढ़ो यूट्यूब से, तो साथ के साथ रफ नोटबुक में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जिनसे बाद में प्रैक्टिस करना इजी हो जाए। अब बात है बच्चों एल होगी लोअर लिमिट, क्या है बच्चों लोअर लिमिट है ठीक है। अब बात करते हैं एन, एन जो है ना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एन है समीशन एफ आई। दिस मीन्स जो फ्रिक्वेंसी का हमने क्या किया था, टोटल किया था फ्रिक्वेंसी का, वही क्या है बच्चों हमारे पास एन है। एन बाई टू का मतलब है उस फ्रिक्वेंसी को हाफ करना, जो अपने क्वेश्चन आएगा तब कर देंगे। अब बात रही सी एफ, सी एफ क्या है, सी एफ है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एक बार सिर्फ इनकी फुल फॉर्म सुन लो, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। एल का मतलब लोअर लिमिट, एन एन क्या है, एन क्या है बच्चों हमारे पास, एन है बच्चों, एन है हमारे पास समीशन एफ आई। क्या है बच्चों, एन समीशन एफ आई ठीक है। सी एफ क्या है, सी एफ है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, हिंदी में बोलते संचयी बारंबारता। एफ क्या है, एफ है बच्चों मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी। क्या है बच्चों, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी। और एच क्या है, एच है क्लास साइज। जैसे वो इंटरवल लिया था ना अपने उन्होंने 5 to 10, तो 5 to 10 में बच्चों डिफरेंस कितने का है, 5 का है ना, 5 का है। तो 5 जो है हमारा क्लास साइज है। जैसे अगर हमारा इंटरवल जो है हमारे, अगर ऐसे होते लाइक इंटरवल ऐसे होते हमारे, मान लो इंटरवल होता 100 to 200, फिर नेक्स्ट होता 200 to 300, तो बच्चों यहाँ पे 100-100 का गैप है ना इंटरवल्स में। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास साइज होता एच जो होता वो कैसा हो जाता बच्चों, एच जो है हमारा 100 हो जाता। एच दिस, एच मीन्स क्लास साइज, आई सभी को बात समझ। अब बच्चों अपने बात करते हैं मोड, मोड क्या होता है बच्चों, मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है किसी भी डेटा की, वो क्या होती है बच्चों मोड होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप छोटी क्लासों में ऐसे करते थे, आपको डेटा दिया है 1 2 2 5 4 7 7 2 2,
तो यहाँ पे ये जो डेटा है बच्चों, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार कौन आया, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है सबसे ज़्यादा? आप कहोगे कि सर टू है ना, कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आया, 7 2 टाइम्स ही आया। दिस मीन्स टू सबसे ज़्यादा बार आया है, टू की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स आया है बच्चों टू। दिस मीन्स ये जो डेटा है इसका मोड क्या है बच्चों, इस डेटा का मोड क्या है, टू। आई सभी को बात समझ? तो मोड क्या होता है बच्चों, किसी भी डेटा का मोड वो डिजिट होती है जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है। ये देखो लिखा हुआ ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, जिस ऑब्जर्वेशन की, वो उस डेटा का क्या होता है बच्चों, मोड होता है। मोड पहले तो बच्चों आप छोटी क्लासों में तो डायरेक्ट ही देख लेते थे कि हाँ भाई ये डिजिट सबसे ज़्यादा बार आई है, टेली बार बनाते थे ना आप कि हाँ भाई ये डिजिट है, ये इतनी बार आई हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे आप मोड डायरेक्ट ही बता देते थे। लेकिन इस साल 10th क्लास में हो, बोर्ड की क्लास में हो आप, तो इस साल जो ग्रुप्ड डेटा दिया होगा तो उसका मोड इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे बच्चों अपने। तो ये मोड का फॉर्मूला याद करो मेरे साथ, बोलो एल प्लस F1 माइनस F0। ऊपर क्या लिखा है बच्चों, F1 माइनस F0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, F1 माइनस F0 डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। याद रख लो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, H है। इसके मल्टीप्लाई में भी क्या है, H है। भाई बात समझ? तो इससे आप कुछ बातें ये समझिए कि मीडियन में भी मल्टीप्लाई में H आता है और मोड में भी मल्टीप्लाई में एच आता है। और अगर आपको याद है मीन जो हमने फाइंड किया था उसमें भी बच्चों जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसके अंदर मल्टीप्लाई में क्या आता है बच्चों, एच आता है। तो एक बार फिर से मोड का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, एच है। आई सभी को बात समझ? तो बच्चों ये हमने मीन मोड मीडियन के एक बार सारे के सारे फॉर्मूलाज बच्चों पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, अब बच्चों हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने से पहले देख लेते हैं, कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं अपने, ये तो एग्जांपल बच्चों जो दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो ये एग्जांपल है बच्चों हमारे पास मीन फाइंड करने का है, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल है और देखता हूँ मैं कोई, ये देखो क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक्सरसाइज के, ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक में भी पढ़ लो पहले एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को, एनसीईआरटी की बुक है बच्चों हमारे पास, और उसमें 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास। क्या दिया हुआ है, टेबल में जो डेटा दिया है उसको पहले समझना ज़रूरी है। पहले इस बच्चों टेबल में इस डेटा को समझो कि आपको क्या गिवन है, ध्यान से सुनो मेरी बात। नंबर ऑफ क्या दे रखे हैं बच्चों, प्लांट्स दे रखे हैं, और उसके क्या दे रखे हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्लांट्स है और नंबर ऑफ लीव्स, यानी कि ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउस दे रखे हैं बच्चों, सॉरी नंबर ऑफ प्लांट्स है और नंबर ऑफ हाउस है, ठीक है। यानी ऐसे कितने घर हैं, ये देखो ऐसे कितने घर हैं जिनके अंदर 0 से लेके 2 प्लांट है, यानी 2 प्लांट लगाए हो, 1 लगाए हो या 0 लगाए हो, तो ऐसा एक ही घर था। ये जो एक ही घर है ना बच्चों, ये फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, याद रखना। ये ग्रुप्ड डेटा है, ये 0 to 2 इंटरवल देखो दे रखे हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। पहले एक बार क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ये 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, डेटा गिवन है, इंटरवल है बच्चों। ये इस इंटरवल को समझो, वो आपको कहना क्या जा रहा है, वो आपको कहना चाह रहा है कि 0 से 2 प्लांट कितने घरों में है, एक ही घर में, 2 से 4 प्लांट कितने घर में है, 2 घरों में, 4 से 6 प्लांट कितने घरों में लगाए हुए हैं, एक ही घर में, 6 to 8 प्लांट्स कितने घरों में है, 5, 8 to 10 प्लांट्स कितने घरों में है, 6, ऐसे रिस्पेक्टिवली 10 to 12 प्लांट्स 2 में, 12 to 14 3 में। तो वो कह रहा है एवरेज कितने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो बच्चों हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा। अब मीन सबसे पहले बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमने, ये बच्चों डायरेक्ट मेथड से किया है ताकि आपके लिए इजी रहे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड याद करो, मीन फाइंड करने के कितने फॉर्मूलाज थे बच्चों हमारे पास, बताइए कितने फॉर्मूलाज थे बच्चों, 3 फॉर्मूलाज थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 फॉर्मूला बताओ कौन सा, पहला कौन सा था डायरेक्ट मेथड, दूसरा कौन सा था एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा कौन सा था बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसा सभी को बात समझ? हाँ जी। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट मेथड याद है बताओ क्या था,
डायरेक्ट मेथड था बच्चों, याद आया, एक्स बार इक्वल समीशन, बोलो मेरे साथ, एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये था बच्चों डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के बेस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों सब कुछ समझना है, अब स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन, अब एकदम दिमाग ध्यान से एकदम कंसंट्रेट कर लेना। अब देखो ये इंटरवल गिवन है 0 to 2, 2 to 4। सबसे पहले ये देखो बच्चों फॉर्मूले में जो चाहिए ना पहले वो लेके आएंगे। देखो फॉर्मूला, देखो ये रहा फॉर्मूला, अभी मैंने बोला भी है और आपको याद भी है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो बात करते हैं समीशन एफ आई क्या है और फिर एक्स आई फाइंड करेंगे। एफ आई दे रखा है, ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये 1, 2, 1, ये जो दे रखी है क्वेश्चन में, ये फ्रिक्वेंसी है बच्चों, एफ आई से शो करते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास इनका सम कर लिया हमने, कितना आया 20। अब बात करते हैं एक्स आई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अब एक्स आई कैसे फाइंड की जाती है, एक्स आई फाइंड की जाती है जो आपके पास इंटरवल है ना, इसका मिड पॉइंट होता है, एकदम बीच में कौन आता है, जैसे 0 से 2 के बीच में कौन आता है, तो वो आता है बच्चों 1। 2 to 4 के बीच में कौन आता है 3। 4 to 6 के बीच में कौन आता है 5। 6 to 8 के बीच में 7। 8 to 10 के बीच में 9। 10 to 12 के बीच में 11। 12 to 14 के बीच में 13। ये आपको निकालनी आनी चाहिए एक्स आई। अब ये तो बच्चों क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा सिंपल है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। बाकी क्वेश्चंस में अगर आपको पता ना चले कि हमें ये कैसे फाइंड करना है, एक्स आई कैसे फाइंड करनी है, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं अपने। इन दोनों डिजिट को पहले टोटल किया करो, 0 और 2 का टोटल करो, कितना बना 2, फिर उसका हाफ कर दिया करो 1, ये देखो 1 आ गया। फिर 2 और 4 का टोटल क्या बन रहा है 6, 6 का हाफ़ कर दो 3, ये देखो 3 आ गया। बस ऐसे इन दोनों को टोटल किया करो और हाफ कर दिया करो बच्चों। ये जो हमारे पास इंटरवल है ना, इस इंटरवल के अंदर बच्चों, इस इंटरवल के अंदर ये जो छोटी डिजिट होती है ना इधर वाली, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है सारी की सारी, ठीक है, और ये अपर लिमिट है। क्या बच्चों? अपर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है? लोअर लिमिट इधर वाली। इधर वाली कौन सी है बच्चों? अपर लिमिट, याद रखो। और क्लास साइज कोई बताएगा मुझे बच्चा कि क्लास साइज कितना है? क्लास साइज का मतलब है गैप कितने कितने का है सभी के अंदर। गैप बच्चों कितने कितने का है? 0 to 2 के बीच में गैप कितने का है? 2 का है बच्चों। गैप ऐसे निकालते हैं, 2 माइनस 0 कितना आया? 2 का गैप है। कोई ऐसे मत सोच लेना एक ही आती है बीच में डिजिट तो एक का गैप है, ऐसा नहीं है। कितने का गैप है बच्चों? 2 का। अब ये जो 2 to 4 है आपके पास, 2 to 4 इनमें गैप कितने का है? गैप कोई भी पूछे तो बड़े में से छोटी घटा दिया करो, 4 माइनस 2, तो इसमें भी कितने का गैप है? 2 का। तो यह एच है बच्चों इनका क्लास साइज। इस क्वेश्चन में एच की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, बिल्कुल आसान चीज़ है बच्चों। ये एफ आई वाला जो टेबल है ना, ये सारा का सारा, इसको इस एक्स आई वाले टेबल से मल्टीप्लाई कर दो। करें मल्टीप्लाई, करो 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से किया बच्चों 6, 1 को 5 से किया 5, 5 को 7 से किया 35, 6 को 9 से किया 54, 2 को 11 से किया 22, 3 को 13 से किया 39। आई बात सभी को समझ? तो बच्चों ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये आ गए बच्चों एफ आई और एक्स आई। क्या आ गया? एफ आई एक्स आई आ गया, जो हमें चाहिए था। एफ आई एक्स आई चाहिए कहाँ पे? ये देखो ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू नहीं पुट करनी है एफ आई एक्स आई की, समीशन एफ आई की भी पुट करनी है जो कि 20 है। और एफ आई एक्स आई का मतलब है इन, ये जो एफ आई एक्स आई फाइंड किया था हमने, ये एफ आई एक्स आई जो बच्चों हमने फाइंड किया है, इन सभी का हम कर लेते हैं क्या? टोटल। क्या कर लेते हैं बच्चों? टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल कितना है? 162 आया है। क्या आया बच्चों? 162। तो इनका टोटल बच्चों आ गया 162। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। आई सभी की बात समझ? तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये देखो 162 अपॉन में 20, ये देखो ये आया था 162, ये है 20। तो समीशन एफ आई एक्स आई में ऊपर तो समीशन एफ आई एक्स आई पुट करेंगे, ये रहा 162, तो 162 आ गया, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है बच्चों? इसको 20 से। तो इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, ये कट गया बच्चों 81 पे कैंसिल हो गया, और ये नीचे 0 रहेगी, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लग जाएगा बच्चों। पॉइंट लगते ही हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8.1। क्या आएगा बच्चों आंसर? 8.1। ये देखो 8.1 आंसर आ गया। और ये हमारा क्या है बच्चों? एक्स बार आ चुका है। क्या? ये हमारा एक्स बार, और यही क्या है बच्चों? हमारा मीन।
आई सभी को बात समझ? तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आया सभी को समझ? अब बच्चों बात करें, ऐसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, आप इसकी पिक भी ले सकते हो और वैसे आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, एक बार मैं वैसे ही बता देता हूँ, देखो ये इंटरवल गिवन है 500 to 520, 520 to 540। पहले एक्स आई फाइंड कर लेना, एक्स आई कैसे फाइंड करूँगी, इनके बीच में कौन आएगा, 500 और 520 के बीच में कौन आता है बच्चों, 510। ऐसे नेक्स्ट जो 520, नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, 520 से 540 जो है इसके बीच में कौन आता है, 530। देखो मिड वैल्यू फाइंड करने का एक और तरीका है, पहले ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 520 से 540 के बीच में डिफरेंस कितने का बच्चों, 20 का है ना, कितने का डिफरेंस है बच्चों, 20 का है। तो 20 का बच्चों आधा कर दो, कितना आया, 10, और 10 इस छोटे वाले को दे दो, इस 520 को किसको देना है बच्चों, छोटे वाले को देना है। छोटे वाले को जैसे ही दोगे तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। तो ये 530 आ जाएगा, इनके बीच में 540 और 560 के बीच में 550। ऐसे बच्चों आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, एक्स आई फाइंड कर सकते हो। अब ये जो है बच्चों एफ आई, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है बच्चों, अभी किया था, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। दिस मीन्स आपको करना क्या है, आपको इस एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है। ये री एफ आई सारी की सारी, ये री एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इस बॉक्स में आ जाएंगे सारे मल्टीप्लाई, और इन मल्टीप्लाई का क्या कर लो बच्चों, आप टोटल कर लो, क्या कर लो, टोटल कर लोगे। तो इन मल्टीप्लाई का आपने टोटल कर लिया, ये आ गया बच्चों देखो 260 आ गया, क्या 260 तो नहीं आया, एक सेकंड रुकिएगा, इनका टोटल कितना है बच्चों हमारे पास, आप कर लो, और इनका टोटल निकाला बच्चों हमने, ये रहा 2760 है बच्चों, ये 27 ऊपर लिखा हुआ था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रहा 27, तो 27260 क्या आया, 27260 आया। डिवाइड किससे कर देंगे, समीशन एफ आई से, 50 है तो बच्चों 50 से डिवाइड कर दिया, और ये आपका क्या आ गया बच्चों, एक्स बार आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। तो आई होप सो ये सारे की सारी आपको समझ आ गए होंगे, 14.1 का बेसिक भी समझ आ गया होगा, और इसके साथ ये मैंने जो दो क्वेश्चन करवाए हैं ये भी आपको समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आपने नोट भी कर लिए होंगे, जिन बच्चों ने नोट नहीं किए वो दोबारा देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। और याद रखो हमेशा बच्चों, जब भी YouTube से पढ़ो तो अपने पास रफ नोटबुक, बुक, पेन अच्छी तरीके से लेके बैठा करो, ताकि आप वीडियो को एक बार ही देखने की ज़रूरत पड़े, दोबारा हम उन शॉर्ट नोट से ही अच्छी तरीके से समझ लें। और मैंने ये दो क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।